फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। तो उनके लिए मैं क्या क्या सामान चाहिए देख लीजिए। ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, गाजर, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, और ये लिए एक चम्मच मैदा पेस्ट बनाने के लिए, और ये कुछ मसाले देख लीजिए। ये देखिए, जीरा, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, ये मैंने पाव भाजी मसाला लिया, इसमें पाव भाजी मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर और हींग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, पैन हमारा गर्म है, हम इसमें डालेंगे हींग एक पिंच, जीरा, गैस का फ्लेम सिम कर दें। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, उनको अच्छे से भून लेंगे दो मिनट। ये देखिए, ये हो गए हमारे। अब हम इसमें सब्जी ऐड कर देंगे, गाजर, आलू, गोभी डाल देते हैं, शिमला मिर्च। ये देखिए, ये दो मिनट में इसको मैंने इसको 5 से 7 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे, नमक और ये पाव भाजी मसाला, इसको भी 2 मिनट भून लेंगे इसके साथ। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, 2 मिनट इसके साथ पकाना है इसको, ताकि जो इसमें मॉइस्चर है। तो देखिए, स्टफिंग हमारी रेडी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए, स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है, हम इस तरह से सीट लेंगे। और ये जो बिना सिक्का हुआ हिस्सा है उसको नीचे की तरफ करेंगे, सिक्के हुए हिस्से को ऊपर की तरफ करेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे इस तरह। इसको इस तरह करेंगे। और ये जो इधर वाला हिस्सा है, इस पे हम, ये मैंने मैदा को पानी डाल के पेस्ट बना लिया है, ये पेस्ट लगा देंगे इस तरह, ताकि ये इस पे अच्छे से चिपक जाए। इसको इस तरह से चिपका देंगे इस तरह से, और इसको इस तरह टाइट पकड़ के इस तरह से रोल कर देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए इसमें। इधर भी लगा दें अच्छे से। इस तरह टाइट चिपका दें इसको, यहाँ से अंदर से अच्छे से सील कर दें, ताकि जब हम इसको तलें तो ये उतरे ना, अच्छे से चिपक जाए इस तरह। इसी तरह से सारे रोल बना के रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, रोल मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, अब हम इनको तलेंगे। घी मैंने गरम कर लिया है, अच्छे से गरम होना चाहिए। गरम होने के बाद फिर गैस को मीडियम कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सीख सके। ये गरम है, गैस हमने मीडियम कर दी है, और इनको धीरे से डालेंगे इसमें। एक बार में उतने ही डालें जितने आसानी से आ जाएं, ताकि ये खुले ना।
इस तरह से इनको पलट लेंगे। पलट के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको सेकना है। देखिए हमारा सीख गया, अब हम इनको निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा वेड निकाल के इस तरह से। इसी तरह से मैं सारे सेक लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे स्प्रिंग रोल बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। स्प्रिंग रोल सीट मैंने होममेड ली है, इसको आप मेरे को मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको इसका लिंक।